मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और नन्नू मीना ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद में मिल रही हूँ, उसका भी रीजन आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरी बात, अभी पहले जा रही हूँ मैं अदिति को लेने, क्योंकि अदिति का टाइम हो चुका है। पूरा घर का काम फिनिश करते करते मुझे इतना लेट हो गया कि अदिति का टाइम हो गया, मतलब लाने का 12:30 बज चुकी है। बाकी या घर का सब जो भी जितना भी काम था वो फिनिश कर दिया है मैंने, झाड़ू पोछे सब कुछ। तो मैंने सोचा मैं लेके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। बट मैंने सोचा पहले ही से ही बात करती हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 10 दिन से आप लोगों से कोई बात नहीं करी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फैमिली से मैंने बात नहीं करी, या फिर मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे मैंने बातें नहीं करी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि इतने दिन से मैंने आप लोगों से बात नहीं करी और थोड़ी सी बिजी थी। क्यों बिजी थी, सबका रीजन आज इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों इतने दिन तक ब्लॉग नहीं आए और कहाँ थी, क्यों थी, और बहुत सारे ऐसे काम थे जो करवाने थे, वो सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में। तो जल्दी से पहले मैं हो जाती हूँ तैयार, नहा धो के बिल्कुल फ्री हूँ। और ये वही वाली शर्ट है जो उस दिन हम ट्रेंड में से लेके आए थे, 900-899 की है। मैं यहाँ पर दिखा दूंगी, इसकी बहुत प्यारी लगी मुझे ये। हम दो शर्ट लेके आए हैं ऐसी, एक भावना लेके आई है और एक लेके आई हूँ मैं। दोनों की शर्ट सेम ही है, हमारी भावना की और मेरी जो शर्ट है वो दोनों की सेम टू सेम है बिल्कुल। तो काफी कंफर्टेबल है। और मैं साइड में यहाँ पे इसकी वो लगाऊंगी वीडियो, तो आप उसमें देख लेना, इतनी दूर से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी उसकी ये है, ये वाली जो रिबन यहाँ पे लगी हुई है ये मुझे सबसे बेस्ट लगी। अगर आप चाहो तो आप इनको खोल भी सकते हो, बट मुझे इसको खोलना नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आई जो कि दोनों साइड है इसमें, और आप चाहो तो इसको इस तरीके से आगे की साइड भी कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ अदिति से भी मिलवाती हूँ। उसको स्कूल लेने जाना है क्योंकि हबी गए, उनका हॉस्पिटल गए हैं, तो वो नहीं लाएंगे तो आज मुझे ही लाना पड़ेगा। नन्नू को छोड़ के जाऊंगी मैं। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ सिंदूर लगाया है, बिंदी पहले से लगी हुई थी, लिपस्टिक लगाई है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। और आजकल जो मेरी स्किन है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से, थोड़ी सी डल थी स्किन, बट अभी बिल्कुल ठीक है। आज हेयर वॉश किया है, काफी अच्छा लग रहा है गर्मियों में हेयर वॉश करके, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है ना, हर दो दिन में, हर एक दिन में आप चाहो तो हेयर वॉश कर सकते हो, इतनी गर्मी, पसीने, धूल। तो इसलिए आज मैंने सोचा हेयर वॉश करती हूँ। शाम को साथ मार्केट भी जाएंगे तो आप लोगों को लेके चलूंगी। और अभी टाइम हो चुका है पूरा 12:00, तो चलते हैं जल्दी से और लेके आते हैं अदिति को। एसी जो है चला के छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अदिति नन्नू आएगी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो एसी चालू है। और यहाँ पे अदिति आ चुकी है स्कूल से और वो कर रही है अपनी ड्राइंग, और नानू देख रही है यहाँ पे टीवी। हाय नन्नू। हाय। हेलो, आप क्या कर रहे हो? ये देखो मेरा फ्लावर। और अदिति ने बनाया है यहाँ पे रोज वाला फ्लावर। थोड़ा दूर जाके दिखाओ, पीछे थोड़ा पास में आ गए। हाँ, मस्त लग रहा है, सुंदर है। आपकी हेयर स्टाइल बताना, आगे से, आगे से नीचे कर से थोड़ा सा। वाह, सुंदर सुंदर। और नन्ना तो बटर बीन देख रही है, बटर बीन्स है, बटर बीन कैफे देख रही है नन्नू। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। बाय नन्नू। बाय दीदी। ए मम्मा। बाय दीदी। बाय दीदी। बाय। और अभी हो चुका है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं बाजार के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। वैसे तो जल्दी जाना चाहिए था थोड़ा सा, पर थोड़े से लेट हो चुके क्योंकि सो गए थे दिन में खाना वाना खा के। आजकल बच्चों को स्कूल लाना ले जाना रहता है तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और बहुत सारा सामान लाना है, अदिति का स्कूल का टिफिन और उसकी ड्रेस वगैरह भी लेके आनी है। तो चलते हैं मार्केट जल्दी से, और चाय भी नहीं पिया, तो चाय भी पी के आनी है और दही पी के आएंगे। इतनी गर्मी लग रही है, पर गर्मी में भी मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। तो चलते हैं, लेट हो रहे हैं क्योंकि वापस आने में लेट हो जाएगा फिर। हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए। और अदिति क्या खाएगी? अदिति आप क्या खाओगे?
पास जाएंगे बोतिस में और हम लेके आएंगे मेरा लंच बैग। ओके लंच टिफिन बॉक्स और बैग बॉक्स तो है ना, नहीं खराब। देखते हैं क्या खाने को मिलता है, चाय तो पीनी पीनी है, है? मेरे को डोसा खाना है, मुझे भी खाना है तो। और मेरे को भी डोसा खाना है, खाना है तो खाना है। मम्मी आप पापा के पैसे ने क्यों खर्च करवावे लग रही हो ई, और देख सब दुनिया से पहले बैठा है, देख खावे दे ओए बुक्कड़ ओ बुक्कड़। ब्लैक तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अरे यहां पर ओए बोलू काला काला सा काला सा काला तो काला सा काला। मम्मी लगा क्या अच्छा, मैं पैर में लगा जब से काला, मेरे पास पहले से था कुर्ता अब लगाऊं लाइट पर मैं तो सुबह से ही बैठता हूँ, सुबह से कॉलेज के टाइम से। जवी तो लड़की उठ गई क्या बनाया आपने बताओ। वाह ननु आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, आपके टॉयज भी बहुत सुंदर है, कलर से क्या बनाया टावर। ओके हेलो जी गुड मॉर्निंग जी, अभी नेक्स्ट डे का टाइम हो रहा है और कल मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई थी तो कल शाम को मैं 11 बजे आई थी, मार्केट से लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग जो है खाना वाना खा के फ्री होके उधर से आए थे और कल हम लोग लाए थे बहुत सारा सामान। ठीक है तो कल हम लोग मार्केट से लाए थे बहुत सारा सामान, करके 6-5 1000 का सामान आ गया होगा, तो कम से कम 5000 का सामान आ गया था। क्या क्या लेके आए थे वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कल हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख के भी आए थे और बहुत सारी चीज़ें लेके भी आए हैं जिनकी हमको ज़रूरत थी, और मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि 5-6 दिन की तो अदिति की छुट्टी थी स्कूल की, क्यों थी वो एक तो सैटरडे संडे पड़ गया था और एक 3 चीज़ों की और थी, किसकी थी वो नहीं पता मुझे, तो कम से कम उसकी 5 या 6 दिन की छुट्टी थी स्कूल से, तो मैं बिल्कुल भी मैंने सोचा कि थोड़ा अदिति को भी टाइम देना ज़रूरी है क्योंकि अदिति क्या है कि स्कूल में इतनी ज़्यादा बिजी होती है, सुबह 5 बजे उठ के हम लोग उसका खाना टिफिन बैग सब कुछ करते हैं और वो 6 बजे वो स्कूल निकल जाती है, 6:10 पे 15 पे, तो वो दोपहर को आती है 12-1:30 बजे, फिर उसके बाद आके वो थक जाती है तो सो जाती है, उसका होमवर्क वगैरह करती है, पढ़ाई करती है, तो उसके बाद हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा उसकी 5-6 दिन की छुट्टी है तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए और इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था। और दूसरी बात ये थी कि मेरे यहाँ पे जो है नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो इसीलिए भी नहीं डाला था, 2-3 रीज़न थे और भी बहुत सारे रीज़न थे वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। घर में भी यहाँ पे भी कुछ काम वगैरह चल रहा था मकान में, पौंडीचेरी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कुछ करवाया था तो उसमें भी थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ ही शेयर करूँगी। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, चलाती हूँ ज़रूर बताना, और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी आज के व्लॉग में ज़रूर बताना वो भी कमेंट करके। और आजकल अदिति स्कूल जाती है तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि अकेली रहती हूँ तो दोनों बच्चों को एक साथ हैंडल करना थोड़ा सा ईजी नहीं है, तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी आपसे बहुत अच्छे से। और ये व्लॉग है जो 22 तारीख को जाएगा क्योंकि 21 का है तो 22 को निकल जाएगा आराम से, तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी रेगुलर व्लॉग आएंगे, ठीक है, बाय बाय कर दो चलो।